बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे सीटेक चैनल में। जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा बैक में चलते हुए, उसी वीडियो के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसको किस तरह से ईडीएस सॉफ्टवेयर में एडजस्ट किया जाता है और क्रोमा के हटाकर फ्रेम को लगाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको यही सीखने के लिए मिलेगा। यदि आपको इस चीज़ के बारे में पहले से पता है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। यदि तब भी आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि पहला वीडियो है मेरे चैनल पर और बेसिक वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें लेकर ही आगे की ओर बढ़ूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और सबसे पहले ओपन करते हैं ईडीएस। तो ईडीएस ओपन हो रहा है। यदि आप मार्केट में मिक्सिंग काम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको ईडीएस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है। यहां पर आ गया न्यू प्रोजेक्ट, नेम टाइप कर लेते हैं टुडे, और यहां से ओके। जब आप पहली बार ओपन कीजिए तो क्वालिटी वगैरह बहुत कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो अपने आप कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में बताया था इसको इंस्टॉल करने के बारे में और क्वालिटी वगैरह सिलेक्ट करने के बारे में। तो चलिए आज मैं एक प्रोजेक्ट छोटा सा बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। एक प्रोजेक्ट नहीं, फाइल है क्रोमा की का। तो देखिए यहाँ पर जो वी है और वी ए, तो वी के मतलब सिंगल वीडियो और वी ए के मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों। जो जिस वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों होता है इस ट्रैक में रखा जाए, और जिसमें सिर्फ वीडियो है ऑडियो नहीं है जो इस ट्रैक में रखा जाए। तो मैं यहाँ से इसमें तीन ट्रैक बना लेता हूँ, एड वी, ठीक है, वी ए टू लो नीचे की ओर, और यहाँ कर लेता हूँ दो और पहले से एक है, तो यहाँ से एक दो तीन, वो तीन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक दो तीन, देखिए वी 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 आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सेंटर में सेंटर वाले को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाइए, ये जो विन है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड फाइल पर क्लिक कीजिए, ऐड फाइल पर डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे देखिए दो फाइल में रखा हूँ जो वीडियो में शुरू में आपको दिखाया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपना इंट्रो ओपन, और इसको यहाँ से उठा कर यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। इसमें ऑडियो भी है लेकिन मुझे इसी में रखना है। उसके बाद में सेकंड फिर ऐड फाइल करता हूँ और फ्रेम जो ग्रीन फ्रेम है इसको ओपन करता हूँ और इसे मैं रख लेता हूँ नीचे की ओर। यहाँ से वैसे ऊपर रखा जाता है लेकिन मैं नीचे रखूँगा, कारण है आप समझ जाइएगा जब ऊपर रखिएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है, ये बन गया। ये नीचे ऑडियो ट्रैक है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा क्योंकि ऑडियो के लिए और कुछ नहीं। तो यहाँ से इसको साइड में पूरा चिपका देता हूँ मैं। तो देखिए ये हो गया, अब यहाँ से प्ले करता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे सीट चैनल में। देखिए इतना प्ले हुआ। अब हमें क्या करना है कि इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे जाकर कीज, और इसको यहाँ पे देखिए क्रोमा की है, इसको उठा के मैं रखूंगा फ्रेम वाले में नीचे, जो ये ट्रैक जो नीचे बना हुआ है इस पर ला के रखिएगा, इसके बीच में नहीं डलेगा, नीचे डलेगा, यहाँ पर छोड़ दीजिए। आ गया, अब यहाँ से क्रोमा की पे क्लिक करके और यहाँ से सेटिंग पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आगे आप क्लिक करके आप अपने हिसाब से क्रोमा की को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना रखना है कितना नहीं रखना। तो ये तो क्रोमा की डिलीट हो गया, जिसका बैकग्राउंड था ये डिलीट हो गया। इसको आप और भी ज़्यादा जो किनारा है वगैरह बहुत कुछ डिलीट करना तो आप यहाँ से कम बेसी करके कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए बाई डिफॉल्ट जो भी ओके। तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड, लेकिन ये स्कोप रखा हुआ है इसलिए एक फ्रेम शो नहीं कर रहा है, कारण क्या है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंट्रो वाले पे और लेआउट, और यहाँ पर सेटअप पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले ये एंकर पॉइंट होते हैं कुछ, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पे कितना रखना है। तो सबसे पहले मैं साइड में जाता हूँ और यहाँ पर इसे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्ले कीजिएगा, आप लोगों को स्वागत है, शो करेगा। तो सबसे पहले लास्ट में आप रखिए और एक बार आपको यहाँ से एंकर की किसी एक को ऐड कर लीजिए, क्योंकि इधर सारे टिक लगे हुए हैं, तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, देखिए सारे के सारे ग्रीन हो गए। अब क्या करना है, यहाँ से इसको प्ले करना है। मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ यहाँ से, प्ले करना है। देखिए इतना प्ले हुआ, तो इतना प्ले हुआ, तो इतना पे मैं क्या करता हूँ यहाँ से पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह से छोटा कर लेता हूँ, छोटा करता हूँ। देखिए इस फ्रेम के पास आ गया, अब उठा के मैं साइड में ऐसे रखूँगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से, और बड़ा ताकि इस फ्रेम पे ये दिखाई दे। तो इस फ्रेम को देखिए, यहाँ भी फ्रेम शो हो रहा है और यहाँ भी शो हो रहा है। तो फ्रेम पे पूरा मैं सेट कर दिया।
थोड़ा सा और प्ले करता हूँ उसको, थोड़ा से आउट हो गया तो थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर देना, मतलब कि जैसे जैसे जाता जाएगा उतना उतना हल्का हल्का सेकेंड पे, कुछ कुछ सेकेंड पे आपको इसको एडजस्ट करने पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में हम इस वीडियो को इस फ्रेम के बैक में कर देंगे तो बिल्कुल फ्रेम के साइज में रहेगा ये, तो आप फटाफट भी कर सकते हैं। हो गया, उसके बाद फिर से प्ले करते हैं। देखिए ये बैक में चला गया, तब इसे भी हम यहाँ से और बैक में ले जाते हैं। प्ले, देखिए जो एंकर पॉइंट ऑटोमेटिक बनता जाएगा, तो फिर और फिर से इसे एडजस्ट कर दीजिए। फिर से प्ले करते हैं इसे, देखिए अब लास्ट में रुक गया, तब हम इसे लास्ट में इसे एडजस्ट कर देते हैं। यहां से फिर से प्ले, ध्यान देना कि जब ये मूव करेगा बैकग्राउंड तभी इसको हमें एडजस्ट करना है, यदि खड़ा है तो एक जगह पे छोड़ देते हैं इसको, खड़े रहने देते हैं कब तक ये अभी भी ये रुका हुआ है एक जगह पे, तो बस इसी जगह पे हमें छोड़ देना है, जब ये मूव करेगा बैकग्राउंड तभी हमें इसको रोकना है और एडजस्ट करना है। देखिए अभी मूव किया तब फिर हमें अब एडजस्ट कर देना है। मूव होने के बाद फिर आगे, बस हो गया, उसके बाद में इसे ओके कर दीजिए, बिल्कुल सेट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन टूल्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि एक बार में बताऊंगा तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो ये बहुत सारे टूल्स हैं। तो चलिए जो बताया आपको, बस एंकर पॉइंट एडजस्ट हो गया, इसको आप ओके कर दीजिए, ओके हो गया। तो एक्स्ट्रा इतना वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर था काफ़ी दूर तक, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके और सी बटन प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए डिलीट हो गया, अब बस रह गया तो सिर्फ इतना, इससे यहाँ से आप जूम कम बेसी कर सकते हैं ट्रैक का, इतना रह गया तो आप यहाँ से क्लियर। देखिए अब हमें क्या करना है कि कहीं कहीं पे देखिए यहाँ से ऐसे, तो इसका जो फ्रेम था आप इस ट्रैक को ऐसे क्लिक कर देख सकते हैं, तो फ्रेम कहीं कहीं जो है ऊपर नीचे, कहीं चौड़ाई कम है, कहीं सब ज़्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बस अब इस फ्रेम को उठाकर ऊपर के वाले ट्रैक में रख देना है और इसको बिल्कुल इसे साइड में कर देना है। हो गया, तो इसके बैक में चला जाएगा, इसलिए मैं क्रोमा की को इस फ्रेम में, जो फ्रेम था इसमें क्रोमा की यूज किया हुआ है मैंने, यहाँ देखिए क्रोमा की, इसीलिए मैंने किया था ताकि ये एडजस्ट हो जाए। बाकी इसे प्ले कीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब कि और होना चाहिए था, ब्लैक है, तो फिर से आप यहाँ क्लिक करके सेटअप पे जाकर आप इसे थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, देखिए ये सेट हो जाएगा, ओके कर दीजिए। उसके बाद में थोड़ा बहुत और एडजस्ट करने पड़ता है, और ध्यान से थोड़ा एडजस्ट से, जो सेटिंग वेटिंग जो हमने सेटिंग पे गए थे और बार बार जो सेट कर रहे थे पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर मिला रहे थे, थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा ताकि कोई गैपिंग वैपिंग ज़्यादा ना रह जाए, बस यही देखने पड़ता है। तो इसको उसके बाद में क्या करना है, बस इसे हम सेव कर देते हैं, और चाहे तो और भी हम यहाँ पर ऐड करके इस डिज़ाइन लगा सकते हैं, लेकिन वो अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसमें तो सिर्फ क्रोमा के बारे में बताया हूँ आपको।
तो चलिए अब सेव करना है, तो अपने कीबोर्ड का जो फंक्शन की होता है उसमें से F12 टाइप कीजिए, सॉरी F11 टाइप कीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा तो मेरा सेटिंग HD क्वालिटी में ग्रास वैली HD क्वालिटी 1920x1080 पिक्सल सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट है। तो सेलेक्ट करने के बाद में इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, नेम करता हूँ टुडे, और इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए रेंडिंग होने लगा, सेव हो रहा है। तो सेव हो गया, पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो गया। तो अब इसे हम मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से इसे हम प्ले करते हैं। तो ये है अपना इंट्रो, था इंट्रो हम दोनों फाइल लिए थे, ये है टुडे जिसके नाम से अभी सेव हुआ। तो इसको प्ले करते हैं, VLC मीडिया में बढ़िया प्ले होता है, सॉरी विंडो मीडिया प्लेयर में बढ़िया प्ले होता है। तो देखिए प्ले हो रहा है, और इसके ऑडियो को हम यहाँ से आउट कर रखे थे, ऑडियो को यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो में, तो बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आगे इस तरह के वीडियो आपको चाहिए, बेसिक से सारी जानकारी चाहिए EDS के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक से ही हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है और इसके बारे में आपको और वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो दूंगा, बराबर दूंगा, तब बस आपको क्या करना है, लाइक कीजिए और हम शेयर करके इस वीडियो को हमारी मदद कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।